हे गाइस व्हाट्स अप, मैं हूं अरुण चौधरी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेट फिट एंड एक्सप्लोर। अभी मेरा प्लान है घांघरिया तक पहुंचने का, जो कि यहां से 9 किलोमीटर है। अभी मैंने जस्ट ट्रैक स्टार्ट किया है पुलना विलेज से। कल का जो सफ़र था हमारा, वो था हरिद्वार से जोशीमठ। कल स्टे मैंने जोशीमठ में लिया था। उसके बाद आज सुबह मैंने स्टार्ट किया जोशीमठ से। आप प्राइवेट टैक्सी ले सकते हो, जो कि आपका गोविंद घाट तक आता है। गोविंद घाट से भी आपको एक शेयर टैक्सी लेनी पड़ती है, जो कि 4 किलोमीटर विलेज खुलना तक जाता है। उसके बाद से आपको 9 किलोमीटर का ट्रैक होता है, वो खुलना विलेज से लेकर घघरिया तक होता है। बस अभी मैंने जस्ट ट्रैक स्टार्ट किया हुआ है, और चलो लेट्स गो। इस ट्रेन पे ये फायदा ये है कि अगर आप प्रॉपर फिट भी नहीं हो तो आपको यहाँ पे घोड़ा मिल जाता है ना। इसलिए क्या रेट होता होगा यहाँ पे, चार्जेस क्या होता है घोड़े से अगर जाना हो, किसी को फिट ना हो तो कितना रुपये चार्ज होता है। अच्छा, और ये जो पीछे टांगे रहते हैं जिससे, वो क्या चीज़ होती है, क्या कहते हैं उसे, पिट्ठू, उसका 4-5 वेट के हिसाब से कि कैसे भी कोई भी। चलो ये खास बात है यहाँ पे, तो आप फिट नहीं भी हो तो आप इस पर जा सकते हो आराम से इजीली। चलो फिर आगे मिलते हैं। अभी 1 किलोमीटर का ट्रैक भी कंप्लीट नहीं किया हुआ, ले रहा हूँ मैं मोटर बैग। मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है, थोड़ी सी धुंध हो रही है ऊपर। अब देखो ऊपर धुंध स्टार्ट हो गई ऊपर, बट वेदर बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा। मज़ा आ रहा है ट्राई करने में। थोड़ा ब्लॉगर लाइफ भी जानते हो आप, थोड़ा स्लो स्लो चलना होता है। ट्रैक ज़्यादा टफ नहीं है, इजी ट्रैक है, रॉकी पाथ है, बट थोड़ा टाइम लग रहा है। अभी 8 किलोमीटर बाकी है ट्रैक, चलो चलते हैं। पूरे रूट की खास बात यह है कि इस पूरे ट्रैक पे आपको खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी। रास्ते पर आपको स्टॉल मिल जाएंगे, टी चाय वगैरह मिल जाती है। अभी मैंने चाय ऑर्डर की है। अभी यहाँ से 7 किलोमीटर और है, स्लो स्लो जा रहा हूँ नेचर का मज़ा लेते हुए। आगे पीछे नज़ारा देखिए, क्या मज़ा है। ये जो रूट दिख रहा है ये नीचे जा रहा है, ये पुराना हेमकुंड का रूट था, ये रिवर के किनारे किनारे जाता था। और ये जो ऊपर रूट जा रहा है ये न्यू रूट है हेमकुंड जाने के लिए, मतलब घांघरिया होते ही आपको हेमकुंड जाना होगा। तो ये जो रूट है ये पुराना रूट है, अब ये रूट बंद कर दिया गया है। तो चलते हैं नए रूट पर अपने।
अभी 4 किलोमीटर का अभी ट्रैक कंप्लीट नहीं किया है। 8:30 बजे के आसपास ट्रैक स्टार्ट किया था, अभी बज रहे हैं 12, तो काफ़ी स्लो आगे बढ़ रहे हैं। बीच में बारिश भी हुई, उसकी वजह से काफ़ी रुकना पड़ा, बीच में रेनकोट वगैरह पहन के करना पड़ा, कैमरा अंदर रखना पड़ा। तो अभी मौसम ठीक है, धूप बारिश यही हो रहा है, अभी तो ठीक है, अभी काफ़ी अच्छा मौसम है और अभी थोड़ा ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, स्पीड है अभी काफ़ी सही स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। जो ट्रेल है घांघरिया तक वो पूरी, अभी तक जो रास्ते मिली वो पूरी रॉकी पार्ट है, मतलब मड्डी पार्ट नहीं है बीच में, इसकी वजह से बारिश के बाद भी कीचड़ वगैरह नहीं मिला। तो ठीक है, काफ़ी स्मूथ ट्रैक है अभी तक। और अभी फिर से हम किसी गांव में आ गए हैं, पता नहीं कौन सा गांव है, बट यहाँ कुछ खाने का है, यहाँ रुक नहीं रहा हूँ मैं, थोड़ा आगे बढ़ता हूँ फिर देखता हूँ आगे कुछ। अभी नींबू ब्रेक लिया है, भंडार विलेज में हूँ भी मैं, अभी यहाँ से 4 किलोमीटर का ट्रैक और बचा हुआ है। ट्रैक हो चुका है, जब आप जहाँ पे मैंने नींबू पानी ब्रेक लिया था भुंडर की, वहाँ से आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हो, एक ब्रिज पड़ता है, ब्रिज क्रॉस करने के बाद ही आपका जो ट्रैक का लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। मतलब शुरुआत में जब स्टार्टिंग में आपने ट्रैक स्टार्ट किया था, उसने जो शुरुआत के 5 किलोमीटर हैं वो काफ़ी ईजी हैं, बहुत ईजी हैं, बट जहाँ आप पुल क्रॉस करते हो तो थोड़ा सा चैलेंज देता है आपको ट्रैक, अभी भी थोड़ा सा है, बट अब थोड़ा सा स्मूथ हो गया ट्रैक। फाइनली 8 घंटे लग गए थे मुझे घांघरिया तक पहुंचने में, रास्ते पर हल्की फुल्की बारिश हुई, वेदर बहुत ही अच्छा था। 4:30 बजे के आसपास मैं पहुंच गया था घांघरिया, वहां पे होटल नंदा में मैंने स्टे किया था। जो पूरा ट्रेल है शुरू से लेके एंड तक पुलना विलेज से आपका घांघरिया तक बहुत ही ईजी है, हल्का सा मिलेगा आपको, थोड़ा सा पैच है, 1 किलोमीटर का पैच होगा जो थोड़ा सा
थोड़ा सा चैलेंज देता है, बट ओवरऑल इजी कैटेगरी में डालूंगा इस ट्रैक को मैं। बाकी व्लॉग एंड करने से पहले जल्दी से क्विक रिवाइंड करते हैं। दिल्ली से हरिद्वार, हरिद्वार से फिर मैंने अर्ली मॉर्निंग बस ली थी 8:15 की, जो कि लेट बस थी, सबसे लास्ट बस थी जोशीमठ के लिए। बसेस 5 बजे चालू हो जाती हैं जोशीमठ के लिए, बट मैं काफ़ी लेट था, तो मैंने जो बस ली थी वो 8:15 की थी। उसने मुझे जोशीमठ पहुंचाया था 7 बजे के आसपास। वहाँ पे फिर मैंने होटल अतिथि में स्टे किया था, उसका चार्ज मैंने 500 रुपीज़ दिया था। उसके बाद नेक्स्ट डे मैं निकला गोविंद घाट के लिए शेयर टैक्सी लेके। उसके बाद आपको एक शेयर टैक्सी और लेनी पड़ती जो कि पुलना विलेज तक जाती है। पुलना विलेज से फिर हमारा ट्रैक चालू होता है घंघरिया तक का, जो कि मैंने आपको दिखाया है, बहुत ही इजी ट्रैक है। ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड हाँ बेल आइकन नाम की एक चीज़ होगी, उसे ज़रूर 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 प्रेस करो रेगुलर अपडेट्स के लिए। तब तक के लिए बाय, नमस्ते, खुश रहो, स्टे फिट।